हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप WhatsApp के डिलीटेड नंबर को रिकवर करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp का जो नंबर डिलीट हो गया है उसे हम वापस कैसे ला सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर WhatsApp में कोई भी आपका नंबर डिलीट हो जाता है और कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी डिलीट हो जाता है तो उस नंबर को हम वापस रिकवर कैसे कर सकते हैं, वापस कैसे ला सकते हैं WhatsApp में। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में WhatsApp को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे आपको जिस तरह से मैं स्टेप्स करके दिखाने वाला हूँ, जिस तरह से मैं आपको करके बताने वाला हूँ, उसी तरह से आपको भी करना है, तभी आपका नंबर वापस आ पाएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक चीज चेक करना है। राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, देन सेटिंग्स पे जाना है, देन चैट्स पे जाना है और यहाँ पे आपको चैट बैकअप पे जाना है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका जो चैट बैकअप है वो यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर चैट बैकअप नहीं हुआ है तब तो आप यहाँ से रिकवर नहीं कर सकते। अगर आपका चैट बैकअप हुआ है तो रिकवर कर सकते हैं। आपको फिलहाल नंबर डिलीट होने के बाद चैट बैकअप पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आपको चैट बैकअप अगर कर लेंगे तब तो वो नंबर जो डिलीट हुआ है वो आपके चैट बैकअप में अपडेट हो जाएगा। तो आपको चैट बैकअप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ देख लेना है कि चैट बैकअप हुआ है पहले या नहीं हुआ है। पहले अगर हुआ है और उसके बाद आपका नंबर डिलीट हुआ है तो आपका वो वापस आ जाएगा। चलिए यही आपको चेक कर लेना है, उसके बाद यहाँ से बाहर आ जाना है। चलिए मैं आपको एक नंबर डिलीट करके दिखाता हूँ। जैसे वहाँ पे आप देख सकते हैं चैट बैकअप हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने में ये एक नंबर है, व्हाट्सएप चैट है, यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया, यहाँ से गायब हो चुका है। अब वो नंबर भी हम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट्स खोल देता हूँ, ये नंबर वो रहा, यही नंबर है। इसे हम नंबर आप देख सकते हैं, ये नंबर हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ से। ये हमारा नंबर हो गया डिलीट। अब क्या होगा कि ये जो नंबर है ये अभी व्हाट्सएप से भी डिलीट हो गया और हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी डिलीट हो गया। अब उसे हम वापस कैसे ला सकते हैं, इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे थोड़े देर के लिए लॉन्ग प्रेस करना है तो यहाँ पे ऐप इन्फो आ जाएगा, या फिर आप चाहे तो सेटिंग्स पे से भी जा सकते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चले जाना है सबसे नीचे व्हाट्सएप पे। देख सकते हैं ये रहा व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप हम ओपन करते हैं। उसके बाद इसको क्या करना है, स्टोरेज यूजेज पे जाना है और क्लियर डाटा कर देना है। अब जैसे ही आप क्लियर डाटा करते हैं आपका जो व्हाट्सएप है वो यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। व्हाट्सएप से आपका जो व्हाट्सएप है वो यहाँ से हट जाएगा। तो वापिस से आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वापिस से सेटअप करना है। तो अग्री करते हैं, यहाँ पे हम अपना फोन नंबर डाल देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इधर ओके पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका जो वेरिफिकेशन कोड है वो अपने आप ही यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू करना है, उसके बाद अलाउ करना है, अलाउ करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है। अभी आपका जो बैकअप है वो यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं ये हमारा बैकअप जो है वो आ गया है। अभी आपको यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक करना है और जितना भी देर का बैकअप हो रहा है उसे आपको होने देना है पूरा का पूरा 100%। जब भी ये बैकअप हो जाएगा नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है, नेम डाल देना है अपना आपको, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर जो है वो यहाँ पे आ चुका है। जो हमारा चैट था वो यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं यही नंबर था जो हमने अभी WhatsApp चैट से भी डिलीट किया था और हम अपने नंबर से भी हमने इसे डिलीट किया था। लेकिन ये नंबर जो है क्योंकि WhatsApp चैट में ये पहले से ही बैकअप में था इसलिए यहाँ पे ये आ गया है। तो यहाँ से आप चाहें तो इसे दोबारा से सेव कर सकते हैं, इसका चैट देख सकते हैं कि क्या चैटिंग हुआ है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी किसी भी डिलीटेड नंबर को WhatsApp पे वापस ला सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं।